गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास, वेलकम इन टू योर हिंदी क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो हैं FA1 एग्ज़ाम जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को किया, ऑन टाइम मैम को सेंड किया, इट्स ग्रेट। एंड पेरेंट्स, मतलब मैं दिल से आप लोगों को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना जो है ऑनलाइन क्लासेस को मतलब इतने अच्छे से चला पाना और एग्ज़ाम को कंडक्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ये सारी मतलब टीचर तो मेहनत कर ही रही है, लेकिन आप लोगों की भी आई नो आप लोग डबल मेहनत कर रहे हैं। सो पेरेंट्स, मतलब आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा रहा है, तभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस इतने अच्छे से चल रही हैं और हमारे जो एग्ज़ाम हैं ऑनलाइन वो इतने अच्छे से हो पाए हैं, ऑन टाइम हो पाए हैं। सो थैंक यू पेरेंट्स, और प्लीज़ अपना ये सहयोग आप बनाए रखिएगा। तो अब हम लोग अपनी हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रेप क्लास, हिंदी में हम लोग व्यंजन कर रहे हैं और साथ साथ जो है हम स्वरों की मात्राओं को भी सीख रहे हैं। और हम तीन मात्राएं, दो मात्राएं ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम लोगों ने क्या सीखा है? आ सीखा है और आ की मात्रा को सीखा है। हम लोगों ने बड़ा ई ई ई सीखा और ई की मात्रा को सीखा है ना। और आज मैम आपको एक नया स्वर तो हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी स्वर कर चुके हैं। आज हम करेंगे स्वर औ, लेकिन नया क्या सीखेंगे? औ की मात्रा। क्या सीखेंगे? औ की मात्रा। ओके, सो क्विकली ब्रिंग योर हिंदी बुक एंड ओपन पेज नंबर 6161 क्विकली। तो आज हम लोग एक नई राइम रीड करेंगे, बल्ला और गेंद। क्या रीड करेंगे? बल्ला और गेंद, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। खेल का मचा है हल्ला, खेल का मचा है हल्ला, लेकर आओ गेंद और बल्ला, लेकर आओ गेंद और बल्ला, चौड़ा बल्ला मौली लाई, रौनक ने फिर गेंद घुमाई, मौली ने जो मारा चौका, रौनक रह गया हक्का बक्का, मौली दौड़ी दौड़ी आई, फौरन उसने गेंद उठाई, जब तक गेंद वह लेकर लौटी, सभी भाग गए खाने रोटी। तो बेटा आप लोगों ने देखो, कुछ हाईलाइट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें जो ये हाईलाइट वर्ड है ये तो क्या है? औ है ना, अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन जो आपको ये मात्राएं दिखाई दे रही है ना, ये हाईलाइट जो ये दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं औ की मात्रा। क्या बोलते हैं? औ की मात्रा। ओके, औ औरत होता है और ये क्या है? औ की मात्राएं। तो आपको क्या करना है पेरेंट्स, इस राइम को बच्चे को बहुत अच्छे से एक बार रीड कराना है, प्रॉपर जो औ की प्रोनंसिएशन है उसके साथ। तो एक बार फिर से रीड करें, चलो। खेल का मचा है हल्ला, लेकर आओ गेंद और बल्ला, चौड़ा बल्ला मौली लाई, मौली ने जो मारा चौका, रौनक रह गया हक्का बक्का, मौली दौड़ी दौड़ी आई, फौरन उसने गेंद उठाई, जब तक गेंद वह लेकर लौटी, सभी भाग गए खाने रोटी। ओके, तो राइम रीड करने के बाद हम लोग हमेशा क्या करते हैं? उसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं, ठीक है। तो अब हम इस राइम के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ओके ओके, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो है बच्चे किन चीजों से खेल रहे थे? तो बच्चे किन चीजों से खेल रहे थे बताइए? वेरी गुड, किससे खेल रहे थे? गेंद और बल्ला। तो बच्चे किन चीजों से खेल रहे थे? गेंद और बल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौली जब गेंद लेकर आई तब बच्चे कहाँ भाग गए? जब मौली गेंद लेकर आई थी तो बच्चे कहाँ भाग गए थे? यस, कहाँ भाग गए थे? रोटी खाने। तो बच्चे कहाँ भाग गए थे? रोटी खाने। कविता में औ के आवाज वाले कौन कौन से शब्द आए हैं? जल्दी बताइए कौन कौन से शब्द आए हैं। यस, जैसे और, चौड़ा, मौली, रौनक, चौका। तो इतने सारे शब्द हैं जो औ की मात्रा के कविता में आए हैं। ओके, औ की आवाज वाले कुछ नए शब्द बताओ। अब कुछ नए शब्द बताओ
जो इस राइम इस कविता में ना हो उसके अलावा कुछ नए शब्द सोचो, जल्दी से सोचो जिसमें औ की साउंड आती हो। वेरी गुड, औ औरत, वेरी नाइस। और बताइए, औ की साउंड जिसमें आती हो, जैसे दौड़ है ना, दौड़ना, तो औ की साउंड आई ना इसमें, पौधा। और बताइए, खिलौना, खिलौना है ना, तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, आज राइम को रीड करना है, देन आपको ऑरली क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, और इसके बाद मैम एक एक्टिविटी दे रही हैं आपको। आपको क्या करना है, आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है ना, तो आपको क्या करना है, अपना मनपसंद जो भी आपको खेल पसंद है ना, जैसे आपको क्रिकेट पसंद है, आपको फुटबॉल पसंद है, कुछ भी आपको पसंद है, तो उसकी इमेज आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। ओके, और मैम को सेंड करना है। तो आज हमने अपनी क्लास में कौन सा स्वर किया है, औ, कौन सा स्वर किया है, औ, और क्या सीखा है, औ की मात्रा, क्या सीखा है बेटा, औ की मात्रा है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, औ की मात्रा, जो इसको जो ये होता है इसको बोलते हैं आ की मात्रा, जो हमारी ये होती है इसको बोलते हैं ई की मात्रा, और इसको क्या बोलते हैं, औ की मात्रा। तो आज हमने सीखा है औ की मात्रा। तो आपको सिर्फ राइम को रीड करना है, ऑरली क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, और अपना जो भी फेवरेट गेम है उसको ड्रॉ करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर बेटा, लव यू।